सुप्रभात बच्चों, आज हम क्षितिज भाग एक के गद्य खंड का प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है दो बैलों की कथा, जिसे हिंदी के सुप्रसिद्ध उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। तो प्रेमचंद जी के विषय में हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के नाम से मशहूर प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लमही नामक स्थान पर 1880 में हुआ था। उनके पिता का नाम अजायब राय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय था और बचपन में ही पिता की मृत्यु होने के कारण घर की जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ गई थी। जब इन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की, तभी इन्हें प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बना दिया गया था और शिक्षक बनते हुए भी इन्होंने BA पास किया। उसके पश्चात नियुक्ति स्कूल इंस्पेक्टर के रूप में हुई और गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित होकर कुछ समय के पश्चात इन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। इस महान साहित्यकार का निधन 1936 ईस्वी में हुआ। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं: उपन्यास, गोदान, सेवा सदन, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, वरदान, कायाकल्प, निर्मला, रंगभूमि, गबन और कर्मभूमि। कहानियों का संग्रह कफन, नवनिधि, प्रेरणा, प्रेम प्रसून, प्रेम पचीसी, मनमोहक, समर यात्रा, सप्त सरोज, अग्नि समाधि, प्रेम गंगा और सप्त सुमन आदि हैं। नाटकों में करबला, प्रेम की वेदी, संग्राम और रूठी रानी है। तो आइए आज पढ़ेंगे हम दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा की गणना प्रेमचंद की सुप्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने कृषक और समाज और पशुओं में भावात्मक संबंध का जो वर्णन किया है वह अपने आप में अनुपम है। हीरा और मोती नाम के दो बैल सीधे साधे भारतीयों के प्रतीक हैं, जो आज़ादी के लिए बार बार संघर्ष करते हैं और अंत में उसे पा ही लेते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं दो बैलों की कथा में। झूरी कांछी के दो बैल हैं जिनके नाम हैं हीरा और मोती। बड़ी पछाई जाति के जो बैल हैं, ऊंची कदकाठी के बैल हैं, दिखने में बड़े सुंदर हैं, चौकस हैं और दोनों में इतनी घनिष्ठता है कि दोनों बातंग बातों में एक दूसरे का अनुमान लगा लेते हैं। कभी सींग मिलाते हैं, जब मांद में जो है मुंह डालते हैं तो दोनों एक ही बार मुंह डालते हैं और एक ही बार मुंह उठाते हैं। और इनमें इतना घनिष्ठ प्रेम है कि एक दूसरे की जो संवेदना को जो है ये न जाने कौन सी मूक भाषा में समझ लेते हैं। एक दिन, एक समय की बात है कि झूरी का जो साला है गया, जिसका नाम है, वह बैलों को लेने के लिए झूरी के पास आता है और झूरी उन्हें जो है बैलों को गया को हल लगाने के लिए दे देता है। अब बैल समझते हैं कि स्वामी के द्वारा तो हमें बेच लिया गया है। वे बड़े बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उन्हें यह अच्छा भी नहीं लगता है। रास्ते में वे गया को बहुत परेशान करते हैं। जैसे तैसे गया उन्हें अपने घर ले जाता है और घर ले जाकर के जब वह उन्हें अपनी खूंटी पर बांध देता है तो उनमें जो है घास भी नहीं डालता है। अब दोनों बैल जो हैं बड़े असमंजस से देखते हैं कि कहाँ तो उनका स्वामी उनकी जो है रोज सेवा शुश्रूषा करता था, आज दोनों जो हैं भूखे प्यासे बंधे हुए हैं। अब वे देखते हैं कि उनकी जो खोर है उनमें न खली है, न चूनी है, न चोकर है, कुछ भी नहीं दिया गया है। दूसरे दिन जो है बैलों को जो है जब हल पर जोता गया तो उन्होंने जो है बड़ी ही परेशानी से जो है वो गया के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर दी और उसी दिन रात्रि को जो है अपनी रस्सियां तोड़ाकर जो है वहां से भाग निकले। भागते भागते जब वे अपने पुनः घर पहुंच जाते हैं तो दूसरे दिन सुबह देखते क्या है कि झूरी कांछी जब सुबह उठते हैं तो दोनों बैल जो हैं
घर में आए हुए हैं। तो घर में आए हुए हैं तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अनुमान लगाता है कि हो सकता है गया ने जो है इन्हें कुछ खाने के लिए नहीं दिया होगा, इसीलिए जो है ये यहाँ आए हैं। अब ये देख करके जब झूरी कांची की पत्नी बाहर देखती है तो कहती है कि भाई ये बैल जो है ये स्वामी भक्त नहीं है, इन्होंने जो है अपने स्वामी के साले का जो काम है वो पूरा नहीं किया है, इसलिए वो क्या करते हैं कि वो भी उन्हें जो है भला बुरा कहती है। और भला बुरा कहने के पश्चात दूसरे दिन फिर जब गया आता है और गया उन बैलों को ले जाता है तो उस दिन उन्हें वो पैदल नहीं ले जाता बल्कि एक गाड़ी में जोत करके ले जाता है। मोटी मोटी रस्सियाँ उन दोनों में डाल दी गई हैं और जब वो उन्हें ले जाता है तो फिर भी वे रास्ते में उसे बहुत परेशानी उसके लिए पैदा करते हैं, लेकिन वो उन्हें जो है बहुत दंडात्मक कार्यवाही उनके साथ करता है और इस प्रकार से वह उन्हें अपने घर पहुंचा देता है। फिर खूंटे पे जो है मजबूत रस्सियों से वह उन्हें बांध देता है और उस दिन जो है सिर्फ सूखा भूसा ही डालता है। अब बेचारे जो है एक दूसरे का मुंह देखते हैं, एक दूसरे का मुंह देखते हैं तो क्या करते हैं, उसी समय देखते क्या है कि एक छोटी सी लड़की जो कि गया की जो छोटी सी लड़की है उससे वो उन दो रोटियां लेकर के उन बैलों के पास आती है और वो रोटियां उन्हें खाने के लिए देती है। अब वे बैल ये भी जान चुके हैं कि यह भैरों की लड़की है जिसकी कि माँ मर चुकी है और जो सौतेली माँ है वह उसे अनेकों प्रकार से जो है सताती है, कष्ट देती है। ये जानकर के हीरा मोती ने उस सौतेली माँ को सिंह से फेंक देने की बात भी मन में लाए, लेकिन फिर कहते हैं कि ये जो बच्ची है इसकी बच्ची की माँ को यदि हमने चोट पहुँचा दी तो ये भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि स्त्री जाति पर सिंह चलाना भी वो अच्छी बात नहीं समझते हैं। लेकिन एक दिन वही लड़की फिर उन्हें दो रोटी खिला करके जब कई दिन हो गए भूखे प्यासे बंधे हुए तो वो उन्हें उनकी रस्सियाँ ढीली कर देती है, खोल देती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि भाई ये दोनों बैल जो है भागे जा रहे हैं। अब हीरा और मोती जब भागने लगे हैं तो भागते भागते आगे निकल जाते हैं और अब जल्दी में भागने में हुआ क्या कि वह अपना रास्ता भी भटक गए हैं। रास्ते में उन्हें नए नए गांव भी दिखाई देते हैं। भूख प्यास से दोनों व्याकुल हैं तभी जो है एक मटर के खेत में घुस जाते हैं। अब घुस जाते हैं तो बड़े मज़े से जो है मटर, हरी मटर को चरते हैं, आनंदित होते हैं। कई दिनों में जो है दोनों मित्रों ने जो है भरपूर आनंददायक भोजन प्राप्त हुआ है, लेकिन तभी देखते हैं कि दूसरी तरफ से एक विपत्ति और सामने आ गई है। एक बड़ा सा सांड जो है चिंगाड़ते हुए उनकी तरफ आ रहा है, मानो वो भिड़ने के लिए तैयार है। अब दोनों बेचारे उसे देख करके जो है बड़े भयभीत होते हैं, लेकिन मनी मन में सोचते हैं कि भागना भी अच्छी बात नहीं है, भागते भी नहीं हैं। लेकिन अब दोनों मनी मन में सोचते हैं कि अब इससे कैसे मुकाबला किया जाए, तो एक आगे से प्रहार करता है तो दूसरा पीछे से। तो सांड जो था, सांड भी बहुत बाहुबली था, लेकिन उसे जो है कभी भी ऐसा तजुर्बा नहीं था। सांड ये चाहता था कि एक एक करके ये मेरे से लड़े और मैं इन्हें परास्त करूँ, लेकिन वह बड़े उस्ताद थे, वो जब तक एक आगे से भिड़ता था तब तक दूसरा पीछे से निकल जाता था। इस प्रकार से जब दोनों ने उसे आगे और पीछे से घसीटते हुए लहूलुहान कर दिया तो सांड भी धराशायी हो जाता है और अब दोनों जो है विजय की मस्ती में, जीत की मस्ती में आगे निकल जाते हैं। अब जब आगे निकलते हैं तो आगे बढ़ने पर फिर वे मटर के खेत में घुस जाते हैं, क्योंकि अब तो मेहनत की थी तो अब फिर मटर के खेत में घुसे। मटर चरी तब तक पीछे से जो है देखते क्या हैं कि जो मटर के खेत का जो स्वामी है वो कई रखवालों के साथ आ रहा है और उसने जो है हीरा तो मेड़ पर खड़ा था। जब उसने उन लोगों को आते हुए देखा तो हीरा तो भाग गया, लेकिन मोती, क्योंकि वो जो खेत था वो उस खेत की अभी अभी जो है तराई हुई थी, पानी दे दिया गया था तो खेत की जो मिट्टी थी वो गीली थी, तो मोती के पैर जो है उसी में धंसने लगे और इस प्रकार से मोती को उन लोगों ने पकड़ लिया। अब जो दूसरा मित्र जो हीरा है वो क्या करे, सोचता है भाई मित्रता का फर्ज तो निभाना है, तो
वह भी पकड़ में आ गया, उसने भी अपने आप को बंदी बनवा लिया और इस प्रकार से दोनों बंदी बना करके कांजी हाउस में डाल दिए जाते हैं। तो अब देखते हैं कि अब कांजी हाउस में देखते हैं कि वहाँ अनेकों जो हैं भेड़ बकरियाँ हैं मवेशियाँ हैं, लेकिन वो ऐसी अवस्था में हैं कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में बिल्कुल बिल्कुल जो उनका शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है। कई भैंसें हैं बकरियाँ हैं घोड़े हैं, किसी के सामने चारा है लेकिन कोई खाने को तैयार नहीं है। तो देखते हैं वहाँ का हाल देख करके दोनों मित्र एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उसी समय वहाँ पर बाड़े का चौकीदार आता है तो वो देखता क्या है कि वो हाजिरी लेने आया था। हाजिरी लेने इसलिए आया था कि ये देखने के लिए कि कहीं कोई पशु भाग तो नहीं है नहीं गया है या किसी ने कोई पशु चुरा तो नहीं लिया है। तो उसी समय वो देखता है कि वो जो बैल हैं हीरा मोती वो रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो रस्सी तोड़ने का जब प्रयास कर रहे हैं तो हीरा और मोती को जो है वो डंडे कस करके जो है दो दो डंडे उन पे कसता है और फिर उन्हें अलग अलग बांध देता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहता है और तब लगभग एक सप्ताह व्यतीत हो जाने पर अब क्या है कि देखते क्या है कि सूखा सूखा जो चारा है कई दिन से सूखा हुआ है, जो चारा जो है वो ऐसे छोड़ देते थे अब उस चारे के भी लाले पड़े हुए हैं और उस चारे को जो है वो खाने में कतई भी वो नहीं है। अब एक दिन देखते हैं कि उस बाड़े के बाहर जो है डुगडुगी बजने लगी है, सभी लोग जो है एकत्रित होने लगे हैं, सभी लोग एकत्रित होने लगे हैं और एकत्रित होने के पश्चात एक 50-60 साल का जो एक व्यक्ति जो बूढ़ा बुजुर्ग है दड़ियल जो है वो आता है और वो उन बैलों की नीलामी में जो है उनकी बोली लगाता है। अब नीलामी में जब बोली लगाता है तो बोली लगाने के फलस्वरूप जो है दोनों बैलों को उसने खरीद लिया। अब दोनों बैलों को जब खरीद लिया तो खरीद करके वो उन्हें लेकर के चलने लगे। अब हीरा मोती पर रस्सियाँ पड़ी हैं, अब कई दिनों से भूखे हैं चल भी नहीं पा रहे हैं तो गिरते पड़ते हुए भागने भी लगे हैं लेकिन फिर भी चाल उनकी डगमगाने लगी है। देखते क्या है कि अब उन्हें अपना जाना पहचाना रास्ता नज़र आने लगा है। जाना पहचाना रास्ता नज़र आने लगा है तो नज़र आने पर उनमें एक उत्साह आ गया है, एक नई उमंग नया जोश उनके मन में पैदा हो गया है और वे उसी रास्ते में जो है बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। वही खेत वही बाग मिलने लगे हैं। अब उनकी थकान और दुर्बलता जो थी वो बिल्कुल पूर्ण रूप से जो है गायब हो गई है। उन्हें अपने खेत और कुएँ पहचान में आ गए हैं और अपने घर के निकट देखकर जब दोनों तेज़ी से भागते हैं तो भागते क्या है तो उस जो बूढ़ा जो दड़ियल जो व्यक्ति था उसके हाथ से रस्सियां भी छूट जाती हैं और वह अपने भाग करके जो है अपने घर में पहुंच जाते हैं। यह दृश्य देखता है तो बड़ा प्रसन्न होता है, अरे ये तो मेरे बैल हैं। तब तक पीछे से दड़ियल व्यक्ति पहुंचता है और कहता है नहीं इन्हें तो कांजी हाउस से नीलाम करके मैं ला रहा हूँ, मवेशी खाने से नीलाम हुए हैं इन्हें मैंने खरीदा है, ये कहकर के वो उन्हें जबरदस्ती लेने लगता है। तो इतने में जो है हीरा और मोती बड़ी जोर से सींगों से प्रहार करके जो है करते हैं और वो दड़ियल व्यक्ति अपनी जान बचा करके वहाँ से भागता है। थोड़ी देर में झूरी ने नांदों में जो है खली चूनी चोकर और दाना डाल दिया है जिसे खाने में दोनों व्यस्त हो गए हैं। गांव में उत्साह छा गया है, सभी लोग आए हैं फूल मालाएं लेकर के आए हैं। बच्चों की जो बाल मंडली आई है वो उन्हें जो है उन्हें कहती है कि ये तो जो है किसी सैनिक से कम नहीं है, ये तो सैनिक हैं। तो इस कथा के माध्यम से हमने देखा कि दोनों मित्रों की जो मित्रता है, एक दूसरे के प्रति जो सच्ची आस्था है और पशुओं का जो अपने स्वामी के प्रति जो प्यार है जो कर्तव्य है वो हमें देखने को इस कहानी में मिला। इस कहानी में आपने देखा कि कुछ कठिन शब्द आए हैं जो इस प्रकार हैं, ये देखेंगे आप कि पहला है परले दर्जे का बेवकूफ। परले दर्जे का बेवकूफ उसे कहा जाता है जो मूर्ख नहीं मूर्ख से भी बढ़ करके हो, महामूर्ख हो। मिसाल यानी उदाहरण देना, कोई मिसाल देते हैं। सहिष्णुता अर्थात सहनशीलता। गोई कहा गया है जोड़ी अर्थात हीरा और मोती की जोड़ी। पगहिया जो जिसे गया के द्वारा उन बैलों को बांध लिया गया था। बेगाने
बेगाने से तात्पर्य है पराए, प्रेमालिंगन अर्थात जब कोई व्यक्ति प्रेम से बाहें भर करके एक दूसरे के गले मिलते हैं उसे प्रेमालिंगन कहा जाता है, बेतहाशा बिना सोचे समझे। और मल्लयुद्ध शब्द वहाँ पर आया है जब हीरा और मोती जो है सांड से जो है भिड़ते हैं तो मल्लयुद्ध उसे कहा गया कुश्ती करना, और कांची हाउस जहाँ पर आवारा जानवरों को बंदी बना करके रखा जाता है। तो आइए बच्चों अब देखते हैं इस पाठ में आए हुए कुछ अरबी और फारसी के शब्द, जैसे कि मिसाल, जालिम, मसैलत, तजुर्बा, हरज, कबूल, ताकीद, बरकत, जख्मी, आरजू आदि। तो यह कथा बहुत ही रोचक कथा थी, आप सभी ने इसे समझा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, अवश्य आपको अच्छा लगा होगा। इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।